थी वो। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल, जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा, चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती हैं। तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तर बतर, बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करने लग गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की, मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चले जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की, माँ, पापा, मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद इससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। कि आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी, आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था।
माँ मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। मेरे बच्चे को मार देगी माँ, वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबरा कर अपने पेट को छुआ, सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था, ये सपना कैसे हो सकता है?